हेलो गाइस, आप मेरी वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना क्योंकि मैं मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चली है, यूट्यूब से टिकटॉक। तो आज मैं टिकटॉक का रोस्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी रोस्ट किया है टिकटॉक के ऊपर, पर उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैंने दोबारा एक और वीडियो बनाई है एनिमेशन में, ताकि आप लोग देख सके। टेंशन मत कीजिए, इसमें कोई गाली वाली नहीं है, क्योंकि मैं गाली नहीं देता और इसमें कोई गलत वर्ड भी नहीं है। इसको बच्चे भी देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो में से कुछ भी गलत लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर डिसलाइक करने से पहले ये भी कमेंट में लिख देना कि क्यों डिसलाइक किया है और क्या गलत वर्ड लगा है, ताकि मैं उसको कभी नहीं लाऊं। और ये सिर्फ हंसाने के लिए है, इसको दिल पे और दिमाग में कहीं पे मत लेना। मैं फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको दिल पे मत लेना कभी आप बुरा मानो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगे तो, वरना तो मत करना, पर शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि लिए मैंने ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई और मैं सिर्फ 15 साल का हूँ और अकेले इसमें डायलॉग एडिटिंग हर चीज़ मैंने अकेले ही की है। ये बात तो मेरे घर में किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे भाई को पता है। मैं उससे मदद मांगता हूँ कि वीडियो बनाने में मेरी मदद कर देगा, पर वो मना कर देता है। क्योंकि लिए वो कहता है कि तेरी इतनी सारी वीडियो बनाई है वो तो हिट हो गई, क्या हिट हो जाएगी, अकेले ही एक दो और हैं वो मैंने अकेले ही बनाई है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, ताकि लोगों को, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो लोग क्या पता दूसरे लोगों को ये वीडियो अच्छी लग जाए। क्योंकि बड़ी मेहनत से करिए, प्लीज़ कर दो। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोशिश करने से कभी हानि नहीं होती। गांधी जी भी अकेले ही चले थे आज़ादी के रास्ते पर, देखते पूरा देश उनके साथ चला था। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ इसको शेयर कर देना अगर आपको पसंद नहीं आई तो, और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हो प्रियल भाई? कुछ नहीं पपलू, चपड़ गंजू की वीडियो देख रहा हूँ। भाई चपड़ गंजू? ये चपड़ गंजू कौन है? अरे ये वही चपड़ गंजू है जो लड़के लड़की बन जाते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं और न जाने क्या क्या। अच्छा भाई, ये टिकटॉक वाले तो नहीं? हाँ वही भाई है। आप टिकटॉक चलाते हो? नहीं रे पपलू, ये यूट्यूब से टिकटॉक की वीडियो देख रहा हूँ। पर प्रियल भाई, इसमें क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पपलू, इनकी हरकतें देख रहा हूँ। ओ भाई, इनकी हरकतें मैंने तो कभी नहीं देखी। बस वो जोकर की और लड़का जो लड़की बन जाता है वही देखी है। बस इतनी ही देखी है? आ ये देख। देख ले पपलू, लड़का लड़की बन रहा है और भाई बम मटका रहा है। हाँ ये भी बात सही है। अब क्या भाई, इसका क्या होगा? देख ले पपलू, इस वीडियो से उसे लग रहा होगा कि वो बहुत हिट हो गया, बहुत फेमस हो गया, जबकि उसकी मम्मी पापा को तो दुखी हो रही होगी कि लड़का लड़की बन गया। अच्छा भाई, एक चीज़ पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछ पप्पू। भाई अब उससे शादी कौन करेगा, लड़का या फिर लड़की? बस पप्पू अब मजाक बंद कर ले, सीरियस की बात कर। सीरियस भाई, मैं तो सीरियस ही हूँ, मैंने तो सीरियस ही सवाल पूछा है, तुम ही हंस रहे हो। चल चपड़ गंजू, देखो थोड़ी सी चपड़ गंजू वाली वीडियो क्या दिखा दी, अब तू चपड़ गंजू वाली बात करने लगा। मुझे लगता है कि तू इस वीडियो को देख के लॉकडाउन में बाहर आओ। जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख और फालतू बात बंद कर। मतलब भाई इससे कौन डरेगा? बड़े ही सोच विचार करने के बाद मैंने सोच लिया है। एक तो ये टिकटॉक वाले बाबड़े हो चुके हैं जो ऐसी उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, ऊपर से तू और पॉपुलर बंदे दिखा रहे हैं यहाँ पे। या तो तू देख मत, या फिर देख ले तो आराम से देख ले। ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ, पर अब अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बाद में पूछ लूँगा। चल ठीक है, बाद में पूछ लियो। बस भाई अब मेरे को पता चल चुका है कि टिकटॉक वाले चपड़ गंजू ही हैं। सही है, टिकटॉक बैंड हो गई। कहाँ पपलू यार, कहाँ जीता है तू? अभी टिकटॉक बैन नहीं हुआ, सिर्फ उसकी रेटिंग कम हुई है। अच्छा भाई, मुझको तो लग रहा था कि टिकटॉक बैन हो गया। पहले उसकी रेटिंग थी 4.5 स्टार और अब हो चुके हैं 1.6 रेटिंग। तो भाई ये तो सही है ना? हाँ ये सही है, अब ये टिकटॉक चले गया इसकी वजह से कम लोग तो नहीं मरेंगे। वैसे तो कितने लोग मर चुके हैं, ट्रेन से, कोई छत से। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ पूछूं? हाँ पूछ पपलू। जो लड़का लड़की बनाता उसकी शादी किससे होगी? तो मैंने मना किया था ना पूछने से।
पर भाई तुमने ही तो बोला था कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब मैं पूछ सकता हूँ। पर ये तो ख़त्म ही नहीं हुए, ये तो न जाने कितने हैं। ऐसे तो भाई मैं कभी पूछ नहीं पाऊँगा। चल ठीक है, अगले पार्ट में बताऊँगा जब प्रिंस अगला पार्ट बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं दोबारा। तो इसको प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, शेयर ज़रूर करना, चाहे पसंद आए या नहीं आए। और भाई अगले में तो मैं पूछ के ही रहूँगा। पूछ लियो, अगले में इससे बढ़िया वाली रोस्टिंग होगी, क्योंकि ये दिक्कत हुई थी थोड़ी एडिटिंग करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट टू में। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, प्लीज़। अगले वाले में मूवमेंट करते हुए दिखाऊँगा, अगर आप शेयर करोगे।